नमस्कार दोस्तों, गैस्ट्राइटिस जिसमें कि पेट में दर्द होना, जलन की समस्या होना, अपच की समस्या होना, ये देखने में आता है। इसी पर आज मैं कुछ जानकारी शेयर करूंगी। गैस्ट्राइटिस कैसे होती है, क्या इसके कारण है, कौन कौन से इसमें लक्षण देखने में आते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपकी इसमें मदद कर सकती हैं। तो मैं डॉक्टर पूनम वर्मा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही लाइक और शेयर का बटन दबाना भी ना भूलें। तो गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, तो इसमें स्टमक की जो अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है उसमें ही इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये इन्फ्लेमेशन किन कारणों की वजह से होता है, इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबल जो इसका मेन कारण है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया नाम का होता है। वही जो स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है उसी पे इसका इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है और सारे के सारे सिम्टम्स इसमें देखने में आते हैं। इसके सिम्टम्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कारण हैं। तो यह हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया क्यों इन्फेक्ट करता है, तो इसका ये कारण है कि जो हमारे स्टमक की जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है वो जब डैमेज हो जाती है, डैमेज क्यों हो जाती है, अगर हम बार बार अल्कोहल ले रहे हैं या फिर टोबैको खा रहे हैं या फिर बहुत ही स्पाइसी फूड खा रहे हैं, तो इन सब कारणों की वजह से जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज हो जाने के बाद इन बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन हो जाता है इस लाइनिंग पर और इस वजह से सारे के सारे सिम्टम्स गैस्ट्राइटिस के देखने में आते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से इसमें लक्षण देखने में आएंगे, किन लक्षणों को देख के हम समझ सकते हैं कि गैस्ट्राइटिस है ये। तो पहला इसमें आता है कि खाना जो होगा वो हजम नहीं होगा, बार बार पेट फूला हुआ है, खाना खाए रहेंगे नहीं भी खाएंगे तो भी पेट फूला रहेगा और बार बार मिचली जैसी आएगी, उल्टी भी हो सकती है। उल्टी में कभी कभी बहुत ज़्यादा उल्टी होने पर ब्लड भी देखा जा सकता है और इसमें जो स्टूल होता है वो ब्लैक कलर का होता है और इसमें ब्लोटिंग होगी, पेट में गैस बनेगी, डकारें आएंगी बार बार और हिचकियां भी आती हैं इसमें। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स गैस्ट्राइटिस के ही होते हैं। तो अगर आप में ये सारे सिम्टम्स कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं काफ़ी दिनों से, तो आप इसकी जांच जरूर कराएं। इसकी जांच के लिए मेनली इंडोस्कोपिक जांच कराई जाती है। इंडोस्कोपी, इसमें एक ट्यूब माउथ के थ्रू स्टमक तक डाली जाती है, उसमें कैमरा लगा होता है और उससे हम देखते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो स्टमक की है वो इन्फ्लेम्ड है या नहीं है। तो इस तरह से जांच से पता चल जाता है कि गैस्ट्राइटिस है या नहीं है। तो ये इसकी, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली बने हुए हैं तो आप इसकी जांच जरूर कराएं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर गैस्ट्राइटिस का समय रहते ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, होता है तो अल्सर में चेंज हो जाता है ये, या फिर कभी कभी काफ़ी दिनों तक रहने पे स्टमक कैंसर भी होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि आपकी इसमें मदद कर सकती हैं। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन जो आती है इसमें मैं वो मेडिसिन्स बताऊंगी जो कि आपको अपने लक्षणों के आधार पर लेनी है। कोई भी इसमें मेडिसिन, आपको सारी की सारी मेडिसिन नहीं लेनी है, जिन मेडिसिन के लक्षण से आपके लक्षण मैच कर रहे हैं वही मेडिसिन आप लें, सारी की सारी मेडिसिन ना लें। एक जो मेडिसिन है वो सभी को लेनी है, हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर आता है। हाइड्रेस्टिस जो है वो बदहजमी के लिए, खाना ना हजम होने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आपको मदर टिंचर में लेना है, लीवर के लिए, लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, इसलिए हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर लें आप। इसकी 10 से 15 बूंदें आधे कप पानी में मिला करके सुबह शाम लें, जब तक कि आपकी ये समस्या समाप्त नहीं हो जाती है। अब मैं मेडिसिन बताने जा रही हूँ जो आपको अपने सिम्टम्स से मैच करके लेनी है। तो पहली मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम जो है ये गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके पेट में बहुत जलन होती है, ऐसा लग रहा है कि अंदर कोयला जल रहा है और इसके साथ साथ बहुत बेचैनी है, बहुत कमजोरी आपको महसूस होती है और प्यास बहुत कम लगती है, थोड़ी थोड़ी देर पे लगती है, आप एक बार में एक साथ पानी नहीं पीते हैं, थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते हैं, इस तरह के लक्षण आर्सेनिकम एल्बम में देखने में आते हैं। तो आर्सेनिकम एल्बम को आप 30 पोटेंसी में लें, इसकी 2 बूंदें
सुबह एक एक टाइम ले, सुबह या शाम को किसी भी समय आप 2 बूंदे एक टाइम ले, और इसको जब तक कि आपकी समस्या समाप्त नहीं हो जाती है तब तक इस मेडिसिन को लें, और जैसे ही आपको आराम मिलने लगता है वैसे ही आप मेडिसिन को लेना बंद कर लें कर दें, और साथ में हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर चलाते रहें। तो नेक्स्ट मेडिसिन है नेक्सवोमिका। अगर आपको नेक्सवोमिका ऐसे लोगों में बहुत ही सूट करती है जो कि ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब अल्कोहल लेते हैं या फिर तंबाकू खाते हैं, या फिर ना बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना बहुत पसंद होता है, और उनमें गैस्ट्राइटिस की अगर प्रॉब्लम है और बार बार कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, बार बार अर्जिंग होती है स्टूल जाने की, तो ऐसे लोगों में नक्सोमिका बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो नक्सोमिका को आप 30 पोटेंसी में लें, अगर ये लक्षण मैच कर रहे हैं तो आप नक्सोमिका लें, इसको 30 पोटेंसी में लें। इसकी 2 बूंदें शाम के टाइम 2 खुराक ले लें, जब तक कि आपकी ये जो समस्या है ये समाप्त नहीं हो जाती है। नक्सोमिका को आपको शाम के टाइम लेना है, इसकी 2 बूंदें 2 खुराक, मतलब 2 घंटे के इंटरवल पे आप 2 खुराक ले लें, और रोज की रोज लें जब तक कि आपको इसमें अपनी प्रॉब्लम में आराम नहीं मिल जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कार्बोवेज। कार्बोवेज को हम किस कंडीशन में लेते हैं? अगर आपको खाना खाने के बाद गैस बहुत बनती है, जैसे ही खाना खा लिया उसके तुरंत बाद गैस बन गई, पेट फूल गया और खूब डकारें आ रही हैं, बेचैनी सी हो रही है, ऊपर ऐसा लग रहा है कि छाती तक गैस पहुंच गया है, तो इस कंडीशन में कार्बोवेज बहुत ही हेल्पफुल होती है। कार्बोवेज में साथ में ये भी होता है कि गैस, जब बार बार इच्छा होती है कि गैस पास हो जाए, क्योंकि गैस पास होने से बहुत ही आराम मिलता है कार्बोवेज के मरीजों को, तो इस कंडीशन में आप कार्बोवेज लें। कार्बोवेज को कि 2 2 बूंदें आप सुबह शाम लें, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, और जब तक कि आपकी ये समस्या में आपको आराम नहीं मिल जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ऑक्जैलिकम एसिडिकम। ऑक्जैलिकम एसिडिकम को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। किस कंडीशन में लेना है? अगर आपको खाना खाने के बाद, इसमें भी ऐसे ही है, सारे के सारे गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स होंगे, मतलब दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, इसमें दर्द जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, नाभि के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना दर्द होता है, छूने से भी दर्द होता है, और पेट में इसके साथ ही साथ आपको गैस बहुत बनती है, डकारें बहुत आती हैं, कार्बोवेज की तरह के ही सिम्टम है, लेकिन इसमें दर्द बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, नाभि से ऊपर आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है, चेस्ट तक दर्द होता है, तो इस कंडीशन में आप ऑक्जैलिकम एसिडिकम लें, 30 पोटेंसी में लें, 2 बूंदें सुबह 2 बूंदें शाम को, और तब तक लें जब तक कि आपको अपनी समस्या में आराम नहीं मिल जाता, और जैसे ही आराम मिल जाए तो वैसे ही आप अपनी ये मेडिसिन लेना बंद कर दें। अब मैं बताने जा रही हूँ वॉमिटिंग के लिए। गैस्ट्राइटिस के केस में कभी कभी उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर आपको उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल भी कुछ भी खाया या पानी पिया तो आपको उल्टी हो जा रही है, और ठंडा पानी पीने की बहुत इच्छा होती है लेकिन जैसे ही ठंडा पानी पीते हैं वैसे ही उल्टी हो जाती है, उल्टी के बाद आपको कमजोरी जैसी लगती है, बहुत वीक फील करते हैं, तो इस कंडीशन में विराट्रम मलबम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। विराट्रम मलबम को आप 200 पोटेंसी मिलें, इसकी 2 बूंदें सुबह 2 बूंदें शाम को, और हर चौथे चौथे दिन पे आप रिपीट करें, तो इस कंडीशन में विराट्रम मलबम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को हम किस कंडीशन में लेते हैं? अगर आपको गैस्ट्राइटिस में भूख ही नहीं है, भूख नहीं लगती है, भूख इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब भूख ही नहीं लगती है, थोड़ा सा भी खाना खाने तो आप बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे ही एक दो कौर खाया आपने वैसे ही आपकी भूख ही नहीं रहेगी, आपको खाने की इच्छा ही नहीं होगी, तो इस कंडीशन में लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। लाइकोपोडियम को आप 200 पोटेंसी में लें, 2 बूंदें सुबह 2 बूंदें शाम को, और हर चौथे चौथे दिन पर रिपीट करें, तो इसमें लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आपको ये सारी की सारी मेडिसिन अपने लक्षणों के आधार पर लेनी है, वही मेडिसिन लेनी है जो आपकी के लक्षणों से जो मेडिसिन मैच कर रही है, सारी की सारी मेडिसिन नहीं लेनी है। हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर सभी को लेना है। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। दूसरे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।